कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली कांस्टेबल कुलविंदर कौर के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दो धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। धारा 323 और 341 के तहत उनके ऊपर ये केस दर्ज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले को लेकर कुलविंदर कौर की नौकरी जा सकती है, क्या उन पर कानूनी रूप से और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई की जा सकती है, आइए आपको पूरे विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला चंडीगढ़ एयरपोर्ट का है, जब कंगना रनौत पहुंचती है उस दौरान कुलविंदर कौर अपनी जगह को छोड़कर जहां उन्हें नियुक्त किया गया था वहां से वो सीधे कंगना रनौत तक पहुंचती हैं, उन्हें थप्पड़ मारती हैं और ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया, जिसके आधार पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी विनय काजला खुद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 323 और 341 जो धाराएं लगाई गई है, जिसके तहत कुलविंदर कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इन धाराओं में किसी को भी जानबूझकर अगर किसी भी व्यक्ति ने चोट पहुंचाई है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही साथ प्रावधान तो ये भी है कि अगर कुलविंदर कौर इस पूरे मामले को सुलझाना चाहे तो वो कंगना रनौत से समझौता कर सकती हैं। अगर उनसे वो बात विचार करे, माफी मांग ले और अगर कंगना रनौत उन्हें माफ कर दे, इस पूरे मामले को अगर वापस ले लिया जाए तो उन्हें किसी तरह की कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर कानून की बात करें तो कानून के तहत 323 और 341 धाराओं में अगर किसी ने भी किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर किसी भी तरह की चोट पहुंचाई हो, हल्की चोट की हम बात कर रहे हैं, हालांकि किसी ने अगर हथियार का प्रयोग किया हो तो उसके लिए सजा का प्रावधान अलग होता है। अब बात अगर कुलविंदर कौर की नौकरी की करें तो आपको बता दें कि फिलहाल सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाएगा कि पिछले जितने भी सालों से वो नौकरी कर रही हैं, उनका हिस्ट्री क्या रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके आधार पर उन्हें नौकरी से निकाला जाना चाहिए या नहीं, इसका निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल कुलविंदर कौर की अगर हम बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है, इसलिए हो सकता है कि कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई की भी जाए लेकिन उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं, जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी अब तक तो नहीं हुई है लेकिन इन धाराओं के तहत तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे विस्तार से इस पूरे मामले की बहुत ही सघनता से जांच चल रही है। देखने वाली बात होगी कि कुलविंदर कौर की नौकरी जाती है, क्या उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ती है या नहीं।